हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ प्रताप, आई एम फ्रॉम सुपर ग्रेट्स। और आज के इस सेट में हम देखेंगे कि मेंसुरेशन 2D और 3D यानी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल के बेसिस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर हो सकता है कि किस किस एरिया से रिलेटेड हमारे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इधर इन IPM, इधर इन DUSER, इधर इन NPAT, जितने भी तरह के एग्जाम्स हम लिखेंगे उन सब में एरिया एंड पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, जिसको अपन कहते हैं अपन मेंसुरेशन 2D और 3D, बोथ दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं अपन 2D एंड 3D, इस दोनों में इस दोनों चैप्टर से कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं या कितने एरिया को यह कवर करता है, हमारे प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर में इससे कितने बेसिस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये चीज हम आज डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे आ चुके हैं या किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अराउंड इसी से जो हम अभी डील करेंगे इस सेशन में क्वेश्चंस को, इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस घूमता रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर एंड वॉल्यूम के चैप्टर पे आपके आने वाले एग्जाम में, इसी के आसपास के ही क्वेश्चंस क्या होंगे इसके अराउंड में घूमते रहेंगे। तो हम उनके जो कि एक बोल सकते हो कि वाइड रेंज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किसी का एरिया निकालना हो, वॉल्यूम फाइंड करना हो, या एरिया वॉल्यूम में रिलेशन दिया हो, इस तरह के जितने सवाल होंगे। जैसे 2D में अपन बात करें तो 2D में केवल किससे क्या निकलेगा, एरिया एंड पेरीमीटर, हाइट लेंथ वगैरह निकाल सकते हैं अपन। हम अगर 3D की बात करें तो एरिया पेरीमीटर साथ साथ वॉल्यूम भी निकलता है, तो 2D और 3D का रिलेशन भी कुछ हो सकता है क्या। हाँ, अगर मैं एरिया को 2D को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या हो सकता है कि आ सकते हैं, वो सारे सवाल हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और पहला सवाल देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है। पहला सवाल कह रहा है द बेस ऑफ अ प्रिज्म इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं बनाऊं तो एक मानो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने, ठीक है, तो बेस है तो प्रिज्म है, तो टॉप भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कुछ इस तरह का हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर और प्रिज्म की हाइट दी हुई 20 सेंटीमीटर, हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा, यानी कि ये प्रिज्म कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके वॉल्यूम निकालने के लिए आयतन हिंदी में बोलेंगे। तो अब देखो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिज्म किसका एक एप्लीकेशन है, एक सिलेंडर का एप्लीकेशन होता है प्रिज्म। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कुलर, और टॉप भी क्या होता है, सर्कुलर। अगर हम बेस को चेंज करते रहे तो हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रिज्म मिलते रहेंगे, हम सिलेंडर को भी एक सर्कुलर प्रिज्म कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या करेंगे। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो अगर मैं सिलेंडर से कंपेयर करूं, लेट्स कंपेयर विद सिलेंडर, सिलेंडर से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें कोई डिफरेंस है, हाँ क्या डिफरेंस है, बस कि इसका बेस ट्रायंगुलर है और इसका बेस एक सर्कुलर है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमने याद किया पाई आर स्क्वायर एच। यदि मैं इस एच को हटा दूं, एच को क्या करूं, हटा दिया, तो क्या बना हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। बताओ क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि जिस जो बेस है सिलेंडर का उसके एरिया में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाइट से, तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया। मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसी तरह से अगर मुझे इस प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो मैं इस प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूंगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहां पे बेस क्या है,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बेस क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करें इक्विलेटरल ट्रायंगल को। अब इसका पेरिमीटर दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो इसके पेरिमीटर्स 18 है, तो तीनों साइड्स कितने कितने का रहा होगा 6, 6 और 6, और इसकी हाइट दी हुई क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस फॉर्मूले में जाएं तो वॉल्यूम क्या होगा एरिया ऑफ बेस, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 × साइड स्क्वायर, ठीक। हाइट कितनी है 20 × 20, तो 4 × 5 = 20 कितना आ गया 6, 6, 5, कितना होगा 6, 6, 5, 6, 6, 5, 180, उसका वॉल्यूम कितना आ गया 180√3 cm³, 180√3 cm³, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर टू। क्या है क्वेश्चन नंबर टू में, सिलेंड्रिकल कैंस ऑफ क्रिकेट बॉल, तो कुछ क्रिकेट बॉल्स के सिलेंड्रिकल कैन है। अच्छा सवाल है ये, टोटल सवाल ये किस पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है, आप देख सकते हो इसको, है ना। और अगर अटेम्प्ट करना हो तो पॉज कर लो, अटेम्प्ट करो और फिर कंटिन्यू कर लो वीडियो को, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें हम कंफ्यूज कहां होंगे वो मैं बताऊंगा, पर अगर अटेम्प्ट करना है तो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल कैंस ऑफ ए क्रिकेट बॉल्स आर टू बी पैक्ड इन ए बॉक्स, अपन जब बॉल्स लेंगे तो एक कैन में रहता है, सिलेंड्रिकल कैन में बॉल्स फिल है, और उस कैन को एक क्यूबिकल बॉक्स में, ये दिया हुआ आपके पास पैक्ड इन ए बॉक्स, तो एक क्यूबिकल बॉक्स में उसको पैक कर दिए गए उस कैन को, और एक कैन में कुछ बॉल्स हैं, इतने डिफरेंट इतने इसके कुछ कैंस होंगे जिसको हमने एक एक सॉलिड एक क्यूबिकल बॉक्स में पैक किया है। अब उस बॉक्स की लेंथ भी दी हुई होगी, डायमेंशन ऑफ बॉक्स क्या दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ बॉक्स, तो मैं पहले बॉक्स के डायमेंशन मेंशन करता हूं कि बॉक्स का डायमेंशन क्या दिया है, हमारे पास लेंथ दी है, ब्रेथ दिया है और हाइट दी हुई है। ये हमारे पास बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, लेंथ 76 सेंटीमीटर, हाइट 46 और हाइट 45, लेंथ दिया है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 46 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, ये बॉक्स का डायमेंशन है। अच्छा सिलेंड्रिकल जो कैन है क्या उसका डायमेंशन है, क्या दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कैन का रेडियस दिया हुआ है। अब मैं अगर कैन की बात करूं सिलेंड्रिकल, इसका रेडियस गिवन है हमारे पास, कितना दिया है रेडियस 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी दी गई होगी, हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो डायमेंशन की बात होगी कि बॉक्स का डायमेंशन क्या है और सिलेंडर का कैन का डायमेंशन क्या है, पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैन दैट कैन बी फिट इन द बॉक्स, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैन फाइंड करने हैं जो बॉक्स में फिल कर सकते हैं। अब देखो बेसिकली आप बॉक्स के वॉल्यूम को ही कंसिडर करेंगे कि बॉक्स का जब जितना वॉल्यूम होगा उतना ही हम कैन फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं इसके वॉल्यूम को L×B×H इस बॉक्स का वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को अगर मैं कैन, सिलेंडर है सिलेंड्रिकल कैन है, वॉल्यूम होगा πr²h, हमारे पास r भी है और h भी है, अगर मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो हमारे पास मैक्सिमम नहीं आएगा, वो क्या करेगा वॉल्यूम को वॉल्यूम के लिए तो कैन को बीच से कट भी कर देगा, कैन को बीच से कट देगा या जितना भी कैन आएगा उसके अंदर आ जाएगा, तो ये चीज गलत अटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों गलत होगा ऐसे समझो, चलो मैं करके देखते हैं अपन की क्या होगा, L×B×H डिवाइड बाय वॉल्यूम इतना πr²h, और ये 7 है तो एक 7 यहां अगर रखा होगा तो 7 7 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं
15 to 15 3 to 23, तो ये क्या आ गया, एक डेसिमल वैल्यू आ गई। मतलब क्या हुआ, हम अगर क्या करेंगे बॉक्स को काट के तो डालेंगे नहीं, तो अब ये क्या आ गया, एग्जैक्ट आंसर आया नहीं। राउंड ऑफ करोगे कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू करें कि चलो ये 22 है तो अराउंड 1 में गया, तो 76 बॉल कैन हम इसमें फिल कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इसको अप्रोच कैसे करें, अप्रोच कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज करो ये एक बॉक्स है, एक 3D में, मैं यहां 2D में ड्रॉ कर रहा हूं, एक बॉक्स है ठीक है। तो यहां पे हमने एक क्या रखा, सिलेंड्रिकल कैन रखा, यहां पे एक सिलेंड्रिकल कैन रखा, कुछ इस तरह से हम इसको फिल करेंगे सिलेंड्रिकल कैन को ठीक है। उसकी कुछ हाइट भी है, तो मानो यहां तक की ये हाइट है, ये कुछ सिलेंड्रिकल कैन हम इस तरह से इस पे फिट करेंगे, तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल कैन एक रो बनाई है, यहां 5 दिखा है, यानी कि जितनी लेंथ दी हुई है, जितनी लेंथ दी हुई है उस लेंथ में रेडियस के बराबर के दोगुना, मतलब क्या ये डायमीटर के बराबर एक कैन स्पेस लेगा। जितना आपके पास बॉक्स का लेंथ दिया हुआ है, इस लेंथ में क्या ये रेडियस के बराबर में डायमीटर है, डायमीटर है, तो बॉक्स का जितना डायमीटर होगा उतना डिस्टेंस एक बॉक्स ले लेगा, सिलेंड्रिकल कैन ले लेगा। तो ये देखो इसका अगर मैं लेंथ से डिवाइड करूं, लेंथ से डिवाइड करूं, तो देखो लेंथ है 76 और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14 ठीक है। 76 को क्या करें, डायमीटर क्या था 14, तो क्या हो जाएगा 5, इंटीजर्स क्या आया 5, 14, 5 70, हमारे पास 6 रिमाइंडर है, यानी यहां पे कुछ 6 सेंटीमीटर की जगह बच जाएगी। अब 6 सेंटीमीटर की जगह बच जाएगी तो उसमें अपन कैन को फिट तो कर नहीं सकते, तो यहां पे हमारे पास कुछ 5 सिलेंडर्स ऐसे लेंथ में आ जाएंगे, क्लियर है। चलो अब देखें, ये तो एक रो बनेगा, अब क्या बॉक्स के पास तो बेंच भी है ना, बॉक्स के पास सपोज करो मैं अगर यहां पे 3D में बनाने की कोशिश करूं तो यहां पे एक कुछ विड्थ भी होगी, बॉक्स की कुछ विड्थ भी होगी, जो भी क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये भी 3D में है, तो यहां पे भी कोई स्पेस तो इसने ऑक्यूपाई किया होगा, यहां पे भी कोई स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया होगा, तो यानी ये एक रो बन गया। इसी तरह से कुछ एक रो कुछ इस तरह से ही बना होगा, तो ऐसे कितने रो बने होंगे लेंथ पे एजेस, तो वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो उसकी ब्रेथ है उसको किससे डिवाइड कर दें, ब्रेथ को किससे डिवाइड कर दें अपन 46 को किससे, डायमीटर से। डायमीटर को क्यों करेंगे, क्योंकि स्पेस तो उतना ही लगा ना। अब एक बॉक्स को मानो ये सिलेंड्रिकल बॉक्स है, अगर मैं इधर से लूंगा और इसका डायमीटर अगर 14 है तो इधर से भी इसका डायमीटर 14 ही होगा, क्योंकि एक सर्कल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटीजर पार्ट्स और 4 रिमाइंडर, रिमाइंडर है नहीं क्योंकि हमारे पास विड्थ में भी 4 सेंटीमीटर की जगह खाली बच जाएगी, जिसमें हम सिलेंड्रिकल कैन को फिट नहीं कर सकते। तो चलो हमने एक रो में कितने कैन लगाए, 5, ऐसे कितने रो हैं 3, तो हमारे पास कैन में कितने कैन में फिट कर चुका हूं, 5 × 3 15 कैन में फिल कर चुका हूं, 15 कैन हम मैं फिल कर चुका हूं, तो क्या हमारा आंसर 15 ही होगा। चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें, इस सिलिंड्रिकल कैन की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन इस बॉक्स की हाइट कितनी है, बॉक्स की हाइट कितनी है 45 सेंटीमीटर, यानी कैन लगाने के बाद हमें ऊपर से कुछ जगह खाली बचा हुआ है, दिख रहा है कि ऊपर में कुछ जगह खाली है, कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का ये हमारे पास गैप आ गया है, कितने का ये 15 सेंटीमीटर का। तो अगर 15 सेंटीमीटर में कैन के ऊपर कैन रख दूं, कैन के ऊपर कैन रख दूं, तो हाइट तो मेरे पास 15 सेंटीमीटर ही है, लेकिन कैन के ऊपर कैन रखोगे तो कैन की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो आधा जगह तो भरेगा आधा बाहर निकल जाएगा, यानी अपन फिल तो कर ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, ऐसे समझो कि ये हमारे पास वो सिलेंड्रिकल कैन है, इसके अंदर क्या है बॉल्स भरे हुए हैं, हमने इसको ऐसे रखा है 30 सेंटीमीटर का, ऊपर जगह बची है 15, अब मैं इसको ऊपर रखूं तो आधा भरेगा आधा तो नहीं भरेगा, तो हम क्या करें इसके लिए,
अगर मैं इसी को ऐसे ना रखकर, परपेंडिकुलर ना रखकर, वर्टिकल ना रखकर, हॉरिजॉन्टल रखूं, कैसे रखूं, हॉरिजॉन्टल रखूं, इसको परपेंडिकुलर ना रखें हम, हॉरिजॉन्टल रख दें, तो हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो जो इसकी हाइट होगी, किसकी हाइट, सिलेंड्रिकल कैन की हाइट, वो किस में जाएगा, सॉलिड बॉक्स के लेंथ पे जाएगा। और सॉलिड बॉक्स की लेंथ कितनी है, 76 सेंटीमीटर। सॉलिड बॉल की लेंथ है, सॉलिड बॉक्स की लेंथ है 76 सेंटीमीटर। और मैंने बॉक्स को कैसे रखा है, कैन को सिलेंड्रिकल रखा है, तो 76 को अगर मैं सिलेंड्रिकल के हाइट देखो, जो देखो सिलेंड्रिकल रखा है इस तरह से, सिलेंड्रिकल को हॉरिजॉन्टल रखा है, तो इसकी हाइट कितनी है, 30। तो इस तरह से मैं कुछ कैन को हॉरिजॉन्टल भी रख सकता हूं, क्योंकि बॉक्स की लेंथ कितनी है, 76 सेंटीमीटर, और कैन की हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो मैं इसको वर्टिकल ना रखकर कैसे रखेंगे अपन, इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे। तो हम हॉरिजॉन्टल अगर फिल किया तो 76 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय 30 हाइट ऑफ कैन। हाइट क्यों, हॉरिजॉन्टल रखे हैं तो लेंथ हाइट पे चला जाएगा, ये देखो इस तरह से। तो ये कितना आया, 2 point something। तो हमारे डेसिमल का पार्ट, मतलब अगर हम ऐसे फिल करेंगे तो यहां पे कुछ जगह हमारे पास खाली बच जाएगी। तो ये तो एक रो हुआ, कितने रो हुए, एक रो हुआ। ऐसे जैसे हम यहां से फिल करें तो ये तो एक रो ऐसे फिल होगा, ऐसे हमारे पास और भी तो रोज होंगे, क्योंकि इसके पास वेट भी है, तो कितने रोज होंगे, वो किससे डिवाइड होगा, देखो ऐसे अगर हमने इसको रखा है तो इसके वेट को क्या डिवाइड कर रहा है, इसका डायामीटर, इसका डायामीटर। तो इसकी वेट कितनी है, 46 सेंटीमीटर। तो 46 डिवाइड बाय 14 क्या, सर्कल का डायामीटर, यानी कि सिलेंड्रिकल के बेस का डायामीटर, ये कितना आया, 3। तो ऐसे दो कैन के हम 3 रो बना सकते हैं। तो ये कितना आया, 2 into 3, 6 कैन्स हम हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं और 15 कैन्स हम वर्टिकल रख सकते हैं। तो टोटल कैन्स कितने हो गए, 15 plus 6 equals to 21। यानी ये क्वेश्चंस टोटल किस पे बेस्ड था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये सवाल मोस्टली एग्जाम में पीछे 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर से एक बार पॉज करके देखो और रिपीट कर देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है ना। चलिए ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ लेंथ ऑफ 3 meter एंड देन बिकम्स ए राइट सर्कुलर कोन विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 13.5 meter अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब इतना पहले अपन ड्रॉ करते हैं। एक टेंट बना है, वो है जिसका बेस क्या है, एक सिलेंड्रिकल बेस है, जिसका बेस क्या है, एक सिलेंड्रिकल बेस है, जिसकी हाइट कितनी दी हुई हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल बेस का एक टेंट है जिसकी हाइट दी होगी हमारे पास कितनी, 3 meter। हाइट कितनी दी हुई है, 3 meter। इसके ऊपर एक कोन है, तो इसके ऊपर हमने कोन दिया और ये कोन की हाइट हो जाएगी, तो टोटल हाइट दिया हमारे पास कितना दिया, टोटल हाइट 13.5 meter का हमारे पास टोटल 13.5 मीटर का क्या दिया है, टोटल हाइट। तो यहां से इसकी अगर हम हाइट निकाले तो ये कितना होगा, 10.5, ये हो गया 10.5 मीटर, क्योंकि 3 meter क्या हमारे पास सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, ग्राउंड से हाइट है 13.5 और सिलेंडर की हाइट दी हुई है 3 meter। ठीक है, यहां तो कर लिया अपन ने। रेडियस ऑफ द बेस इज 14 meter, यानी कि हमारे पास ये रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 14 meter। बेस भी है तो ये भी होगा 14 meter का, तो रेडियस भी दे दिया 14 meter। रेडियस ऑफ द बेस इज 14 meter। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ टेंट इज रेट 2 rupees per square meter। अब 2 rupees per square meter के रेट से इनर वॉल को पेंट करने के में कितना खर्च आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनर वॉल को कैलकुलेट करने के लिए
कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अंदर से इसका एरिया और इसका एरिया, यानी एक कोन और सिलेंडर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। टोटल सरफेस एरिया नहीं करना है क्योंकि हमें टॉप और बॉटम इसका नहीं लाना, ये तो एक टेंट बना हुआ है, टॉप में नीचे क्या होगा जमीन होगी और ऊपर क्या होगा एक होल होगा, तभी वहां पे एक सर्कुलर कोन लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे सरफेस एरिया चाहिए। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh प्लस कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया होता है πRL, πRL, L क्या होता है स्लेंट हाइट। इसको कैसे निकालेंगे अपन, पाइथागोरस से निकालेंगे, यहां देखो 14 और 10.5 और यहां बना 90 डिग्री, तो L की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं L कैलकुलेट करूं तो L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10.5 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 10.5 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो L की वैल्यू आ गई, 10.5 का स्क्वायर कितना होगा 110.25 का स्क्वायर 110.25 ठीक है, प्लस 196, तो ये कितना बना 306.25 अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 17.5। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई 17.5, बाकी सारे वैल्यूज गिवेन है, तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई 2πRh प्लस πRL, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो अपन वैल्यू पुट करते हैं, 2 × 22/7 रेडियस 14 और हाइट है 3, ये सिलेंडर की बात है, प्लस सिलेंडर की बात है ये, उसके बाद किसकी बात करेंगे अपन कोन की, तो कोन की वैल्यू देखो कितना दिया πRL, तो 22/7 r की वैल्यू यहां भी 14 और ये कितना है 17.5, l की वैल्यू कितनी है 17.5 ठीक है, कैलकुलेट करें 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 7 2 और 7 से इसमें किया तो 2 आ गया। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन अपन करते हैं तो 22 × 2 और 22 × 2 दोनों कॉमन पार्ट है अपने पास, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते, तो ये आ गया 44, हमने यहां से कॉमन ले लिया, यहां कितना बचा 6 और प्लस यहां कितना बचा 17.5, तो हमारा एरिया कितना आ गया 44 × 23.5, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर मीटर में एरिया, स्क्वायर मीटर में एरिया आ गया 44 × 23.5 ठीक है, 7 × 2 = 24 πRL ठीक है, हमारे पास ये स्क्वायर मीटर में एरिया आ गया। अब पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट कितना है 2 रुपीज, तो मैं अगर कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो कॉस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो 44 × 23.5 ये तो एरिया हो गया, और एक एक स्क्वायर मीटर का कितना कॉस्ट लगता है 2 रुपीज, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहां पे 23.5 × 2 कितना बन गया 47 × 44 ये आपका आंसर हो जाएगा 47 × 44 रुपीज। इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 47 × 44 को, तो हो जाएगा कितना 47 × 4 कितना होता है 47 × 4 = 188, तो 188 और देन 188, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 188, तो 8 और 8 8 16 और 8 9 8 1 9 0 2 2068 रुपीज ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ द डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर 15/12, अ पिट 8 मीटर लॉन्ग 2.5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज डग,
इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। ओके देखो, एक हमारे पास दिया क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है, वेथ भी दिया है, कितने बाय कितने का है, 15/12 का है। तो चलो इसकी लेंथ है 15 मीटर और ये है 12 मीटर। बोलता है एक कॉर्नर में एक पिट, एक कॉर्नर में क्या किया है, ए पिट 8 मीटर लॉन्ग 2.5 मीटर वाइड। चलो फिर हम यहां पे एक कॉर्नर में एक पिट बनाते हैं जो 8 मीटर लॉन्ग हो, यानी यहां से यहां तक ले लेते हैं अपन, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 8 मीटर, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपने पास 2.5 मीटर और डेप्थ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि यहां से तो अपन ने गड्ढा बना दिया तो ये तो बचा ही नहीं, तो ये अपना अब बन गया जो रिमेनिंग ग्राउंड है, ठीक है, ये रिमेनिंग ग्राउंड अपना बच गया। अब इसमें क्या करते हैं, अपन गड्ढा किया है तो इसके पेरिमीटर पे तो इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो इसको मैं अलग डॉटेड दे रहा हूं और इससे क्लैरिटी आ जाएगी, विजुअलाइजेशन आ जाएगा। 3D में क्या होता है ना, विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि डायग्राम दिख कैसा रहा होगा। देखो इस तरह से मिलेगा और ये जो डेप्थ दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2 मीटर का, ठीक है। तो इस तरह से कोई डायग्राम। अब हमने एक कॉर्नर पे 8/2.5/2 का एक गड्ढा खोद दिया, पिट निकाल दिया। अब इससे जो मिट्टी निकली, इससे जो मिट्टी निकली इसको हमें रिमेनिंग पार्ट पे स्प्रेड करना है, फैलाना है। तो बोलता है रिमेनिंग पार्ट पे जगह मिट्टी फैलाओगे तो उसकी हाइट कुछ इंक्रीज होगी ना, तो वो हाइट पूछा हमसे कि ये कितने हाइट से इंक्रीज करेगा। अगर यहां से मिट्टी निकालेंगे तो ये बचे वाले पार्ट में ही हम क्या करेंगे, फैलाएंगे, बचे हुए पार्ट में ही फैलाएंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल में एरिया बचा कितना, अब एरिया बचा कितना, अब तो रेक्टेंगल का एरिया अपने पास कितना हो जाएगा, 15 × 12, ये तो पहले वाला एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें आपने क्या किया है, 8/2.5 का क्या किया, एक होल कर दिया, तो माइनस कर दिया 8 × 2.5। देखो वॉल्यूम का असर काम नहीं है यहां पे। आप किसी सरफेस पे, सपोज करो एक सरफेस उठाते अपन, मानो ये पेपर है, ये एक सरफेस है, हाँ। अब इस सरफेस पे अगर मैं इस वाले सेक्शन को हटा दूं, मानो ये ट्रायंगुलर पिट बनाया मैंने, ट्रायंगुलर पिट है ना, यहां से मैंने इसको काट के यहां से गड्ढा बना दिया, लेकिन अगर मैं सरफेस को देखूंगा तो सरफेस में मेरे को वॉल्यूम से कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें क्या दिखेगा सिर्फ कि उसके पेरिमीटर में, उसके लेयर में क्या क्या चेंज आ रहा है। अगर मैं यहां पे एक गड्ढा कर दूं, सर्कुलर गड्ढा बना दूं, एक सर्कल बना दूं और उसमें स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल होल बना दूं, गड्ढा बना दूं, कुआं खोदे से समझो, कुआं बना दे कि जमीन पे एक वेल बना हुआ है, गड्ढा है और वेल में कुआं बना हुआ है, तो अगर मैं ऊपर से देखूं तो वो एक सर्कल ही दिखेगा एक लेयर पे, सरफेस पे, भले ही उसमें डेप्थ हो। तो इसीलिए एरिया में क्या इफेक्ट पिया, एरिया में इफेक्ट पड़ा कि 15/12 का जो पहले वाला एरिया था उसमें से हमें 8 × 2.5 का एरिया को माइनस करना पड़ा। तो ये तो बना अब का रिजल्टेंट एरिया पिट करने के बाद, गड्ढा खोदने के बाद, पिट खोदने के बाद, इंटू एच, क्योंकि इसमें हम मिट्टी फैला रहे हैं तो जो मिट्टी आप निकालोगे, जो अर्थ आप निकालोगे वो इसी एरिया में फैलाओगे तो हाइट कुछ इंक्रीज होगी, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय एच किया। अब वो एच, अब ये देखो ये एरिया इंटू हाइट, क्या एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उतना ही उठेगा जितना आप मिट्टी निकालोगे, यानी जो क्यूबिकल शेप है हमारा उसके वॉल्यूम के बराबर। तो ये किसके बराबर हो गया, 8 × 2.5 × 2। इसे अपन एच कैलकुलेट कर लेंगे कि एच की वैल्यू कितनी आएगी। तो 15 × 12 इज 180, 180 − 20 एच इक्वल्स टू 540, देन एच इक्वल्स टू 40/160 0.25 मीटर, मीटर ही है, यूनिट मीटर है तो 0.25 मीटर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अ हॉस्पिटल रूम इज अकोमोडेट बाय 56 पेशेंट्स
इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट एवरी पेशेंट गेट्स 2.2 मीटर स्क्वायर द फ्लोर. एक पेशेंट को चाहिए कितना फ्लोर एरिया? 2.2 मीटर स्क्वायर. 2.2 मीटर स्क्वायर एक पेशेंट को चाहिए. तो अगर मैं टोटल एरिया निकालूं कि टोटल फ्लोर एरिया कितना है, तो एक पेशेंट को चाहिए 2.2 और टोटल पेशेंट कितने हैं? 56. तो ये हमारे पास टोटल फ्लोर एरिया आएगा 56 इंटू 2.2. एक पेशेंट को चाहिए 2.2, टोटल पेशेंट है 56, तो टोटल कितना एरिया हो गया? 56 इंटू 2.2. एक पेशेंट को वॉल्यूम कितना चाहिए? 8.8 मीटर क्यूब. तो अपने पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा टोटल का? एक पेशेंट को चाहिए 8.8, टोटल पेशेंट है 56, तो ये आ गया वॉल्यूम. अच्छा, अभी हमने बोला कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट, तो एरिया क्या है हमारे पास? 2.2 इंटू 56, और इसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8.8 इंटू 56 के बराबर होगा. बराबर होगा क्यों? क्योंकि एरिया को हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम ही है. क्या क्वेश्चन में हाइट पूछा है? क्या क्वेश्चन में हाइट पूछा है? क्या लेंथ दिया है, ब्रेथ एंड हाइट पूछा है. चलो, हाइट तो आ गया हमारे पास. कैसे आ गया? 56 कैंसिल हो गया 2.2 से 4. एच की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर. एच की वैल्यू आ गई 4 मीटर. अब हमें चाहिए ब्रेथ. ब्रेथ भी चाहिए. क्या बोला है क्वेश्चन में? कि इसके लेंथ की वैल्यू कितनी है? 14 मीटर. लेंथ की वैल्यू है 14 मीटर. अच्छा, हम वॉल्यूम एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ. देखो, टोटल फ्लोर एरिया दिया हुआ इतना है, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर है. लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर है. तो देखो, लेंथ की वैल्यू है 14, ब्रेथ निकालना है, और एरिया किसके बराबर है? 2.2 इंटू 56. तो 14 इंटू 4 56, तो ब्रेथ कितना आ गया? 8.8 मीटर. 8.8 मीटर. ठीक, क्लियर. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? द रेडाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर कर्व्ड सरफेस एरिया इन द रेशियो ऑफ 5:3. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? ओके, रेशियो बेस्ड एरिया एंड वॉल्यूम. दो सिलेंडर के रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3. टू सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, यानी R1:R2 दिया है 2:3. दो अलग अलग सिलेंडर हैं और इनके सरफेस एरिया का भी दिया है, शायद, है ना, कर्व सरफेस एरिया का दिया हुआ है 5:3. अच्छा, देखते हैं और क्या पूछा है. वॉल्यूम का रेशियो पूछा है. वॉल्यूम का रेशियो पूछा है. तो हम मान लें कि लेट R1 = 2R और R2 = 3R. तो इनके कर्व सरफेस एरिया, तो क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया? 2πRh. 2πRh सॉरी 2π. अब R1 की वैल्यू कितनी है? चलो R1 लिख देते हैं अपन. h डिवाइड बाय 2πR2h = दिया है 5/3. अब ये देखो, इससे लिखते ही हमें ये क्लिक कर गया कि भैया यहां h के भी कुछ ना कुछ अपने में रेशियो होगा जो दिया नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो, 2π तो कांस्टेंट है भैया, इससे कोई काम ही नहीं है, इसको हमने काट के हटा दिया. अब R1 और R2 का रेशियो दिया है 2:3. तो यदि h भी कांस्टेंट होता, दोनों की हाइट बराबर होती, दोनों सिलेंडर की हाइट बराबर होती, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये 2:3 ही होता. यानी इन दोनों सिलेंडर्स के हाइट में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है. चलो आगे बढ़ते हैं, R1 की वैल्यू पुट करते हैं, फिर हाइट पे आते हैं. R1 हो गया 2RH और R2 हो गया 3RH और ये 5/3. अब देखो, R से R कैंसिल कर दिया, तो H क्या है? वही है ना 2:3. तो यानी H की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? H के में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है. तो इसके हाइट को हमने H1 दिया और इस सिलेंडर की हाइट को हमने
H2 कर दिया, तो ये H1 और H2, तो देखो हमारे पास नया रेशियो आ गया H1 by H2 equals to H1 by H2 equals to 5:2। तो हमारे पास अब रेशियो दो चीजों के हैं, दो चीजों के गिवन भी थे, एक इसका दिया था रेडियस का 2:3 और कर्व सरफेस का 5:3, तो तीसरा हमारे पास क्या आ गया हाइट का H1 और H2 का कितना आया 5:2। हमें पूछा क्या है वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो, तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम सिलेंडर का। दूसरे वाले का क्या होगा पाई आर टू स्क्वायर एच टू, ये दो वॉल्यूम है, इनका हमें क्या निकाल रेशियो निकालना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन, पहले पाई से पाई अपन कैंसिल कर दिया, आर वन स्क्वायर, आर वन की वैल्यू देखो कितनी है, आर वन की वैल्यू हमारे पास 2R, तो 2R का स्क्वायर किया तो हमारे पास बना 4R स्क्वायर, और H1 की वैल्यू कितनी है 5 और 2, तो इसको अपन यहां पे कर सकते हैं H1 equals to 5X, H2 equals to 2X, ठीक है। तो H1 को हमने लिया 5H और नीचे क्या आ गया R2, R2 कितना है 3, तो 9R स्क्वायर, और H2 कितना है 2, तो यहां लिख दिया 2H, H से H कैंसिल हो गया, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 से 4, तो कितना आया पास रेशियो 10:9, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है हमारे पास 10:9 का, क्लियर, ठीक है समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा 7, क्वेश्चन नंबर सेवन अ लार्ज सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट आर इक्वल टू ईच अदर इज टू बी मेल्टेड एंड 48 आइडेंटिकल सॉलिड बॉल्स आर टू बी रिकास्ट फ्रॉम द लिक्विड मेटल सो फॉर्म व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए बॉल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके अब देखो क्या दिया इसमें, एक सिलेंडर है उसके रेडियस और उसकी हाइट क्या आपस में बराबर है, और उसको हमने क्या किया मेल्ट करके 48 आइडेंटिकल बॉल बनाए, यानी यहां पे किसको बराबर कर देंगे अपन वॉल्यूम को, क्योंकि सिलेंडर के जितने वॉल्यूम को हमने यूज किया है, सिलेंडर के जितने वॉल्यूम को हमने मेल्ट किया है, तो उसका जो वॉल्यूम था वही हमें लिक्विड फॉर्म में मेल्टेड फॉर्म में मिला है, और उसी से हमने 48 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स बनाए हैं, तो दोनों के क्या होंगे बराबर वॉल्यूम्स बराबर हो जाएंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा बॉल के स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के बराबर, क्या होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब दोनों के वॉल्यूम्स अलग अलग हैं, दोनों के वॉल्यूम्स, तो रेडियस क्या होगा डिफरेंस होगा, रेडियस अलग होगा, तो हमने सिलेंडर के रेडियस को लेते आर सी सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर, यस, और स्फेयर के रेडियस का नाम दे देते हैं अपन आर एस, ठीक। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, ये तो एक सिलेंडर को हमने मेल्ट किया तो एक की वैल्यू इसके बराबर होगी नहीं, तो ये किसका बराबर होंगे जब हम 48 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी जितने भी हमने स्फेरिकल बॉल रिकास्ट किए हैं मेल्ट करके उस सब के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, तो वो वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो पाई से पाई सबसे पहले अपन कैंसिल कर देते हैं, ठीक कैंसिल कर दिए। अब एक टर्म और क्या बोला है इसमें कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस बराबर है, यानी आरसी और एच आपस में बराबर हैं, तो अगर मैं आरसी को एच के बराबर कर दूं या एच को आरसी के बराबर कर दूं तो ये क्या होगा आरसी क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एच भी क्या है आरसी, आरसी के बराबर है, तो आरसी क्यूब इक्वल्स टू ये कैलकुलेट होकर 16 दे दिया तो 64 आर एस क्यूब। अब हम पढ़ते हैं क्या कि हमें सिलेंडर इज टू स्फेयर निकालना है या स्फेयर इज टू सिलेंडर निकालना है, स्फेयर इज टू सिलेंडर निकालना है, रेडियस ऑफ बॉल टू द सिलेंडर, स्फेयर इज टू सिलेंडर निकालना है, यानी हमें कैलकुलेट करना है आर एस अपॉन आर सी। तो अभी तो फिलहाल क्यूब में रखेंगे इसको, तो ये कितना होगा 1/64
फोर, तो अब क्यूब है तो अब क्या करोगे, क्यूब रूट किया तो आर एस आया डिवाइड बाय आर सी, वन का क्यूब रूट वन, 64 का क्यूब रूट फोर, तो रेशियो कितना आ गया 1:4, 1:4, क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th। क्या है क्वेश्चन नंबर 8th? राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, अच्छा लट्टू वॉज एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंग हैड नो कलर ऑन इट, ही वॉन्टेड टू कलर इट विद द क्रेयॉन्स, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। अच्छा अब लट्टू दिखता कैसा है, लट्टू दिखता कैसा है, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा हमें। एक क्या है, कोन है और इसके ऊपर पहले तो अपन कोण बना लेते हैं, ठीक, और इसके ऊपर एक हेमी स्फेरिकल पार्ट है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, यही दिया हमारे पास कि कलर करना है तो शेप लाइक ए कोन सराउंडेड बाय अ हेमी स्फेयर, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी यहां से यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये हाइट होगी हमारे पास, ये हाइट हो गई हमारे पास यहां से यहां तक कितना, यहां से यहां तक की हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या डेटा है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर हाइट एंड द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ही हैज कलर, यानी हमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब बोला इसका डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का क्या होता है, रेडियस बाय 2 into radius, तो अगर हम उसको हाफ कर दें, अगर मैं उसको हाफ कर दू तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं हाफ कर दू तो क्या मिल जाएगा, हाफ करने से मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा हेमिस्फीयर का, अगर मैं 3.5 को 2 से डिवाइड कर दूं तो वो मुझे रेडियस दे देगा, यही बोला है क्वेश्चन में, शेप लाइक द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक है, हाफ करेंगे उसका रेडियस मिल जाएगा, ठीक। अब देखो तो हमें क्या चाहिए, एक तो इसका मुझे रेडियस मिल गया, रेडियस कितना मिल गया 3.5 बाय 2, तो इसको अपन लिखेंगे क्या 35 बाय 20, ये तो रेडियस मिल गया 35 बाय 20, तो अगर मुझे रेडियस मिल गया हेमिस्फीयर का, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये भी वैल्यू तो उतनी ही होगी 35 बाय 20, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई 35 बाय 20, टोटल कितना है 5, तो ये कोन की जो हाइट है ये भी हमें निकल जाएगी, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 5 माइनस 35 बाय 20, तो ये 100 माइनस 35 कितना आया 65, 20 × 5 100 माइनस 35 65 बाय 20। मैं डेसिमल में नहीं ले रहा हूं, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, एक ट्रिक है, क्यों डेसिमल्स में कैलकुलेशन मेंसुरेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिवाइडेड रखे चलो कट जाएगा बाद में सबके सब, ठीक है। अब हमारे पास ये मिल गया 35 बाय 20 और ये मिल गया 65 बाय 20, हमें क्या चाहिए, अब कर्व सरफेस निकालना है तो एल की वैल्यू चाहिए, पाइथागोरस लगा दो, इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या होगा हमारे पास, पाइथागोरस हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का समेशन कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी, कैसे होगी 65 बाय 20 का स्क्वायर प्लस 35 बाय 20 का स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे अपन अंडर रूट, तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। अब 65 का स्क्वायर इजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 × 5 = 25, 4225 डिवाइड बाय 400, अब यहां से भी 400 आएगा तो कॉमन ले लिया हमने, यहां से भी 400 आएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो एलसीएम ले लिया 400 प्लस 35 स्क्वायर कितना आता है 1225 अंडर रूट, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास
फोर टू ये आ जाएगा 25 25 50 और 5450 डिवाइड बाय 400 अंडर रूट। तो चलो देखते हैं इसको, तो कितना आया ये 54545 डिवाइड बाय 40। थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई अगर करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी 54.5 डिवाइड बाय 4, क्यों किया है अंडर रूट 4 हो जाएगा, एक पॉइंट और इधर लेके आ गए तो ये यहां आ गया, तो 54 तो इससे क्या होगा ना 4 अपना क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डिवाइड कर देते हैं अपन 13 × 4 होता है कितना 52, तो 13.69 अंडर रूट। तो L की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ गई, L की वैल्यू अब देखो 13.69 है तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 37 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3169। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.69 के करीब जाएगा, 3.7 या 3.6 रख लो क्योंकि 36 स्क्वायर 1296 तो ये मानो हम 3.7 सेंटीमीटर, ये एल की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एल भी आ गया है, रेडियस भी दिया है और ये रेडियस भी दिया हुआ है, तो हमें चाहिए क्या सरफेस एरिया, तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का और प्लस सरफेस एरिया किसका कोन का। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr² तो 2 × 22/7 r की वैल्यू 3.5/2 ये तो हो गया हेमिस्फीयर प्लस प्लस कोन का एरिया, कोन का एरिया क्या होगा हमारे पास πrl, पाई r की वैल्यू 3.5/2 और l की वैल्यू 3.7 ठीक 2 × 2 2 × 11 7 × 0.5 तो ये आ गया 11 × 0.5 × 3.5 प्लस ये आ गया 7 × 0.5 और 2 × 11 तो ये आ गया 11 × 0.5 × 3.7 ठीक। अच्छा बीच में प्लस है ये, तो ये प्लस तो कोण प्लस क्या आ गया पास सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके 19.25 प्लस इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 20.11 से करेंगे इसे तो बनेगा 5 और 355 तो 20.29 तो इन दोनों को ऐड किया 39 पॉइंट कितना आ गया 39.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतने एरिया को राशिद को क्या करना पड़ेगा कलर करना होगा, इतने एरिया को राशिद कलर करेगा। क्लियर, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अब देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अधिक था हेमिस्फीयर में, एट्थ वाले में हेमिस्फीयर और कोन वाले में, तो इसके लिए क्या अच्छा है हमारे पास कि स्क्वायर्स वगैरह सब अगर याद हो कि या तो हमें क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन लगा के, जैसे हमने किया अभी कि 36 और 37 के बीच लाई कर रहा है तो हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया था, तो इसीलिए हमें स्क्वायर्स क्यूब्स याद हो तो हम एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर को कैलकुलेशन में हम टाइम बचा सकते हैं। ठीक है चलो नाइन्थ में देखते हैं, नाइन्थ क्या कह रहा है 2 cubes each of volume 64 cm² आर ज्वाइंट इन टू एंड फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अरे दो क्यूब है इस क्यूब का एरिया कितना दिया हुआ है 64 cm², एक और क्यूब है सेम एरिया का 64 cm² का ही, तो उसको हमने एंड बाय एंड ज्वाइन किया
ठीक दिख रहा है। अब इसका भी एरिया कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया क्या हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है कि इसका इस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, क्यूबॉइड का हमें निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी हमें ये साइड देखो 64 है, क्या है इसका सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ओके सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका अगर मैं निकालूं वॉल्यूम तो क्या होता है, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारे पास साइड क्यूब ए क्यूब, तो ये वॉल्यूम दिया है 64 इक्वल्स टू ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिमिलरली अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूं तो यहां भी हमें क्या मिलेगा 64 इक्वल्स टू ए क्यूब और यहां से भी ए की वैल्यू आ गई 4, यानी ये साइड 4 है और यहां से भी ये कितना का 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, तो ये सारे 4 4 4 के होंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने इसको साइड बाय साइड ऐड कर दिया तो ये जॉइंट कर दिया, ये 4 ये 4 ये कितने का हो गया टोटल 8 का हो गया, ये 4 का है, ये भी कितने का हो गया 8 का और ये 4 का है, हमें क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो 2 इंटू एल, अगर लेंथ हमने लिया इसको लेंथ लिया जो हमने जिस साइड से ज्वाइन किया है तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 इंटू 4, ब्रेथ तो हमें 4 ही मिलेगा प्लस ब्रेथ इंटू हाइट तो 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ 8, कितना आया पास 2 32 प्लस 16 प्लस 32, तो ये आ गया 32 64 प्लस 16 64 प्लस 16 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, क्या है 10th, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर का, एक सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर के रेडियस और हाइट के बीच में एक रिलेशन दिया है कि इसके रेडियस और हाइट का सम 37 सेंटीमीटर है और इसका टोटल सरफेस एरिया 1628 है, 1628 है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई स्क्वायर कहां से आता है, अप सर्कल और डाउन सर्कल का एरिया, सर्कल है तो पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर और कर्व का क्या हो गया 2 पाई आर एच। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं भाई 2 पाई आर, तो यहां क्या बचा आर और यहां कितना बचा एच, हमें आर प्लस एच की वैल्यू दी हुई है कितनी 37 और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 16, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना पास 1628, 1628, 1628 इक्वल्स टू, अब देखो ये आ गया 1628 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर और आर प्लस एच दिया है हमारे पास कितना 37 दिया है, 37 ही दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं 37। चलो कैलकुलेट करते हैं इसे, अब 22 से ये साइड डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 22 इंटू 7 होता है कितना 154, तो 22 इंटू 7 हुआ 154 और कितना बचा यहां 154 का 8, तो 4 आ गया और देखो 37 इंटू 2 होता है कितना 74, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 2 से 2 कैंसिल हो गया, R बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, R बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो R जब 7 है
तो h कितना होगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका समेशन कितना दिया था 37। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी 7 × 7 और h की वैल्यू 30, तो 1 7 से 7 कैंसिल कर दिया और ये कितना बन गया 22 × 210। अब इसको अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 441 + 21 = 462, ये कितना बना 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस सेशन में हमने कितने देखे, 10 क्वेश्चंस ऐसे देखे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में। ठीक, चलो, थैंक यू।